ओम शांति। तीस नौ 68 का प्रातः क्लास चल रहा था। दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी, ये साधु संत तो शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नीचे ही उतरते आए हैं और कहते हैं कि शास्त्र व्यास भगवान ने बनाए। परंतु कब बनाए ये तो कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कि ये शास्त्र भक्ति मार्ग में बनते हैं, ज्ञान मार्ग में कोई शास्त्र नहीं बनाए जाते। यहां तो बाप खुद मुख से बैठ सुनाते हैं। बाप के मुख से गीता ज्ञान सुनाया गया, तीस नौ 68 की वाणी का तीसरा पेज। वास्तव में उन शास्त्रों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब मनुष्य गुरुओं के बनाए हुए हैं और ये सभी शास्त्र कर्मकांड भक्ति मार्ग की सामग्री है। क्योंकि द्वापर युग से भक्त तो सभी ठहरे, वो भक्त बिना जाने भगवान को याद करते हैं और समझते हैं कि भगवान आकर के हमको भक्ति का फल देंगे। जबकि भगवान यहां आवेंगे तो फिर भगवान के यहां जाने का पुरुषार्थ क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को तो यहीं आकर के फल देना है ना। तो इन विचारों को पता ही नहीं है कि भगवान कब आते हैं और कैसे आते हैं। तो भगवान को खुद आकर के समझाना पड़ता है कि मैं कैसे आता हूं। कहते हैं मेरा जन्म अलौकिक है, दिव्य जन्म है, इस लोक की तरह मेरा जन्म नहीं है। लोक माने ये दुनिया, मेरा दिव्य जन्म है। मैं इस रथ में प्रवेश करके तुमको पढ़ाता हूं। आप बताओ शिव बाबा रथ में आकर के क्या करेंगे? उन्होंने तो वो घोड़े गाड़ी का रथ दिखाई दिया है, पता किसको भी नहीं है। जिसने गीता ज्ञान सुनाया उनका तो नाम भी मिटाई दिया है। और उनके बदली कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में ऐसा होता है। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कब फाउंडेशन पड़ा और कैसे फाउंडेशन पड़ा? कि जिसने गीता सुनाई,
जिसने गीता ज्ञान दिया, गीता ज्ञान का बीजारोपण किया, उसका नाम निशान मिटाई दिया और कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डाल दिया, तो बताओ गीता ज्ञान का बीजारोपण किसने किया, कब किया? अरे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए। साक्षात्कार होने को कोई ज्ञान थोड़े ही कहा जाता है। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में होते आए हैं। साक्षात्कार करना अलग बात है और प्रवेश होना अलग बात है। उन साक्षात्कारों का अर्थ ब्रह्मा बाबा को कोई ने नहीं बताया। और जिसने बताया उसका नाम निशान गुम कर दिया है। पहले बोलते भी थे पीयू की वाणी, अभी नाम लेना भी बंद कर दिया। समझते हैं, गीता ज्ञान भगवान ब्रह्मा ने दिया। अब ब्रह्मा तो भगवान होता भी नहीं। ब्रह्मा भगवान होता तो उनकी मंदिरों में पूजा होती, मूर्तियां बनती। न पूजा होती है, न मूर्तियां बनती हैं, न मंदिर बनते हैं। तो देखो कैसे नाम बदली कर दिया, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डाल दिया। तो फिर बताओ शिव बाबा ने क्या किया? रथ पर तो बाप आते हैं न कि कृष्ण आते हैं। कृष्ण की आत्मा को तो अपना शरीर है ना, उनको खुद अपना शरीर है, शरीर रूपी रथ है, तो दूसरे के शरीर में क्यों आवेंगे? दूसरे के शरीर रूपी रथ में क्यों आवेंगे? और वो तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। ये कोई अलौकिक जन्म है क्या? लौकिक है या अलौकिक है? हैं? कृष्ण लौकिक जन्म लेते हैं, जैसे सब लौकिक जन्म लेते हैं वैसे कृष्ण की आत्मा भी लौकिक जन्म लेती है गर्भ से। फिर देखो शास्त्रों में पीपल के पत्ते पर कृष्ण का बड़ा अच्छा चित्र दिखाया है। फिर ये कहां की बात है? कहते हैं सागर में पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नवैया, और उस नवैया में कृष्ण है बिठैया। गर्भ में बड़े आराम से बैठा हुआ है, जैसे कि गर्भ महल है, वहां बड़े आराम से बैठा रहता है। सजा आदि तो कुछ भी नहीं खाते, बड़ी मस्ती से अपने पांव का अंगूठा चूसते रहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है कुछ भी पता नहीं। वास्तव में कृष्ण की आत्मा पीपल के पत्ते जैसे हल्का फुल्का पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी में प्रवेश करती है। और कहां प्रवेश करती है?
नवैया को दिखाया है संसार सागर में। ये विषय सागर है, विषय सागर में वो हल्की फुल्की नवैया पड़ी हुई है, फिर काठ की नवैया भी दिखाते हैं। कौन हुआ नवैया? वो काठ की नवैया कौन है? पीपल के पत्ते की नवैया कौन है? अरे बच्चा कहां से जन्म लेता है? माता के गर्भ से ही जन्म लेता है। तो वो जगदम्बा माता है, जिस माता के गर्भ में बुद्ध रूपी पेट में वो आत्मा प्रवेश करती है। शिव बाप है खेवैया। सभी के मन में रहता है कि ये हल्की फुल्की नवैया अब डूबी की डूबी, और बाप क्या कहते हैं, नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो ये सब बातें बाप स्मृति में दिलाते हैं। दुनिया के आदि मध्य अंत का राज ज्ञान और भक्ति क्या चीज है, वो सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। और कोई चित्र आदि तो है नहीं। फिर देखो मंदिर कितने बनाए हैं, और उन मंदिरों के बीच में फर्स्ट क्लास मंदिर किसका बनाया गया है? जितने भी मंदिर बनाते हैं उन मंदिरों में बहुत फर्स्ट क्लास सजा सजाया मंदिर किसका भव्य मंदिर बनाते हैं? है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत भव्य बनाते। एक संप्रदाय निकला है, कौन सा? स्वामी नारायण संप्रदाय। वो भी मंदिर कितना भव्य बनाते हैं। और वहां तो दोनों को गोरा दिखाते हैं। कहां फिर नारायण को गोरा, नहीं लक्ष्मी को गोरा और नारायण को सांवरा बनाए देते। ये कहां की यादगार है? नारायण संगम युग में अपने पुरुषार्थी जीवन में पहले काला होता है या गोरा होता है? पहले काला होता है, तो नारायण को काला दिखाई दिया। और लक्ष्मी भी काली होती है क्या? विकारी होती है? नहीं, तो लक्ष्मी को गोरा दिखाया है। तो भक्ति मार्ग में गलत दिखाया है या सच्चा दिखाया है? है? गलत दिखाया है। क्यों? लक्ष्मी को गोरा दिखाया, नारायण को काला दिखाया, तो संगम युग की बात सच्ची हुई ना। तो कहां गोरा दिखाते हैं कहां काला दिखाते हैं, कारण कुछ भी पता नहीं है कि लक्ष्मी को गोरा क्यों दिखाते, नारायण को काला क्यों दिखाते। जब युगल हैं, एक काला होगा तो दूसरा भी काला हो जाएगा। बेचारे जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो बात बैठ गई है कि लक्ष्मी को गोरा क्यों दिखाते हैं। लक्ष्मी पवित्रता का पक्का पुरुषार्थ करने वाली है, और नारायण, नारायण नारायण पवित्रता का उतना पक्का पुरुषार्थ नहीं करता। क्यों? क्योंकि पुरुष सब, पुरुष चोला सब दुर्योधन दुशासन है, इसलिए नारायण को काला और लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। वो भक्त तो इसका कारण कुछ बता ही नहीं सकते।
जिसको जो आया सो उसने बनाई दिया। मंदिरों में देखो शिवलिंग भी काला दिखाते हैं। अरे शिव बाबा एबर प्योर है या काला है? वो तो एबर प्योर है तो गोरा दिखाना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास का संगमरमर का दिखाना चाहिए, फिर काला क्यों दिखाते हैं? क्योंकि शिव है ज्योति बिंदु का नाम और बाबा है साकार पुरुषार्थी का नाम। जिस साकार पुरुषार्थी में ज्योति बिंदु शिव प्रवेश करते हैं वो पतित तमो प्रधान काला होता है या गोरा होता है? हैं? पतित तन में आते हैं तो उसकी यादगार, किसकी यादगार? लिंग की यादगार काला दिखाते हैं। बिंदु को तो इन आंखों से देख ही नहीं सकते। तो अब तुम बच्चों को सब बातें स्मृति में आ गई है क्योंकि तुम्हें बाप बैठ समझाते हैं, वो ज्ञान को भी जानते हैं और भक्ति को भी जानते हैं। आधा कल्प तुम्हारी भक्ति चलती है और कितने ढेर शास्त्र, ढेर शास्त्र आदि पढ़ते रहते हो और फिर कहते हैं व्यास भगवान ने बनाए। वंडरफुल बात हो गई, भारत सचखंड था फिर झूठखंड कैसे बना, ये बात भी तुम्हारी बुद्धि में है। कैसे झूठखंड बना? अरे सचखंड कैसे बना? एक सत्य बाप को याद करने से, सत्य का संग करने से सचखंड बना। और अनेक देहधारी धर्मगुरु इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि आते गए, झूठी बातें सुनाते गए, झूठे शास्त्र सुनते गए, उससे झूठे बन गए, झूठखंड बन गया। ये बात भी तुम्हारी बुद्धि में है, कारण तो चाहिए। अभी शास्त्रों में देखो क्या क्या बैठ लिखा है। शास्त्रों में सबकी ग्लानी करते रहते हैं। 33 करोड़ देवताओं में सब की ग्लानी की है। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, छोटा बच्चा है, बच्चा तो महात्मा बुद्धि होता है, उसकी भी कितनी ग्लानी कर दी। वास्तव में कृष्ण तो सतयुग आदि में होता है, वहां तो गीता आदि की दरकार ही नहीं, क्योंकि गीता ज्ञान सुनाया है सदगति के लिए। सतयुग में तो सबकी सदगति हुई पड़ी है, वहां सब सदगति में है, वहां किसको बैठ सुनावेंगे। तो ये बात भी रंग है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण भगवान सतयुग में होता है या द्वापर में होता है। भगवान कोई चार चार थोड़े ही हैं, 10 अवतार दिखाई दिए हैं, 24 अवतार दिखाई दिए हैं, भगवान तो एक ही होता है। तो देखो भगवान को कितना रुलाया है, जितना भगवान को रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। बाप बच्चों को ही सब बातें अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि चैतन्य में थे तो सबको सुखी ही सुख था। अभी तो मंदिरों में जड़ चित्र रखे हुए हैं,
जरूर पत्थर बुद्धि बन गए होंगे, तो सब सुखी हैं या दुखी हैं? सब दुखी हैं। जब ये चैतन्य में थे तो कितना सुख था। सब धर्म वाले आज भी उनको बहिष्त गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। अब बाप इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए आए हैं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें देखते हैं कि कौन कौन अच्छे अच्छे फूल बन रहे हैं। गार्डन में तो किस्म किस्म के वैरायटी फूल होते हैं, हर एक अपन को समझ सकते हैं हम किस प्रकार का फूल हूं। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो जरूर औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते ही हैं, तो बाप ये सब स्मृति दिलाते हैं। तुम कौन सा फूल हो, अच्छे से अच्छे फूल का नाम क्या होता है? है कमल का फूल, किंग फ्लावर कहा जाता है। फिर होता है गुलाब का फूल, क्वींस फ्लावर कहा जाता है। बदबू छोड़ने वाले फूल भी होते हैं, ग्लानी की बदबू ही छोड़ते रहेंगे, ये ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है। जैसे गायन करना तो जानते ही नहीं, तो ये नॉलेज सदैव स्मृति में रहनी चाहिए। ये पढ़ाई है और ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ जानी है। आत्माओं को बाप कहते हैं। ये नॉलेज जो मैं तुमको पढ़ाता हूं वो नॉलेज तुम जन्म जन्मांतर के लिए साथ ले जाते हो। ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे स्थूल रतन बन जावेंगे। अर्थात जो यहां जितना ज्ञानवान होगा, जितना ज्ञान उठावेगा, उतना जन्म जन्मांतर साहूकार बनता रहेगा। मेरे में जो नॉलेज है वो नॉलेज मैं तुमको सुनाता हूं, कहता हूं अभी सभी आत्माओं को घर ले जाऊंगा, फिर तुम नई दुनिया में आवेंगे। जब नई दुनिया में आवेंगे तो ये नॉलेज तुम्हारी प्रायः लोप हो जाएगी। 84 का चक्र पूरा हो जाता है, बाप स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, तो राजधानी में तो वैरायटी बनेंगे ना। सब महाराजा महारानी थोड़े ही बन जावेंगे। हाँ, अहम ऑब्जेक्ट तो है कि हम नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने, परंतु बुद्धि में बैठना चाहिए ये नॉलेज कौन सिखलाते हैं। अभी ये तुमको स्मृति आ गई है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही गाई जाती है। क्या होता है, सारी दुनिया पलट जाती है इस गीता ज्ञान से, और कोई भी दुनिया का शास्त्र ऐसा नहीं है, कोई धर्म का शास्त्र ऐसा नहीं है जिससे सारी दुनिया पलट जाती हो। न क्रिश्चियंस की बाइबल, न मुसलमानों की कुरान, न सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब, न बौद्धियों का पाउड
दम पद, इनसे कोई दुनिया पलटती नहीं है। लेकिन कौन से ज्ञान से दुनिया पलट जाती है? गीता ज्ञान से सारी दुनिया पलट जाती है। और गीताएं भी दो हैं, क्या एक गीता है या दो गीता हैं? दो प्रकार की गीताएं हैं, एक है मनुष्यों की बनाई हुई गीता और दूसरी है भगवान की गाई हुई गीता। तो भगवान की गीता से स्वर्ग बन जाता है और मनुष्यों की गीता से नरक बन जाता है। तो वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने ढेर के ढेर हैं, उनसे कोई दुनिया नहीं पलटती है। ये सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। तो उन शास्त्रों से कोई भी प्रकार का फल मिलने की उम्मीद नहीं रहती है। गीता से तुमको स्वर्ग की बात सही मिलती है। तो इतने ढेर के ढेर शास्त्र, ये सभी भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग तुमको मुर्दाबाद करना है और ये गीता का ज्ञान मार्ग जिंदाबाद करना है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे गिरते आए हो, नीचे भी गिरते जाते हैं। फिर देखो, शास्त्र पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को अहंकार कितना रहता है। समझते हैं हम तो शास्त्रों की अथॉरिटी हैं। बाप समझाते हैं, तुम शास्त्रों की अथॉरिटी नहीं हो, तुम भक्ति मार्ग की अथॉरिटी हो। भक्ति मार्ग रावण से आता है और ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान भगवान से आता है। भक्ति मार्ग में गीता शास्त्र आदि पढ़ते ही आए, परंतु यह नहीं जानते हैं कि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता कौन सी है और सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता क्यों गाई जाती है, क्यों जगाई जाती है। गीता सब शास्त्रों में शिरोमणि ऊंच क्यों गाई जाती है? क्योंकि गीता ही ऊंचते ऊंच भगवान की गाई हुई है। ऊंचते ऊंच भगवान की गाई हुई है तो फायदा क्या? फायदा ये कि गीता से ही नई दुनिया की स्थापना होती है। पुरानी दुनिया पलट करके नई दुनिया बन जाती है। और कोई दुनिया में शास्त्र नहीं है जिससे सारी दुनिया पलट जाए। इसलिए सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता गाई हुई है। तो पहले पहले है गीता, बाकी शास्त्र पीछे आते हैं। परिवार होता है, बच्चे होते हैं, तो बच्चों के सामने पहले पहले कौन आता है? माँ आती है। ये भी गीता माता है, तो पहले पहले है गीता, गीता माता कही जाती है। क्यों, पहले बाप या पहले माता है? माता माता जी, पहले बाप नहीं, उससे माता ना, तो पहले बाप हुआ ना, तो पहले गीता क्यों कहा? नहीं, बच्चा पैदा होता है पहले माता को पहचानता है या बाप को पहचानता है? पहले माता को पहचानता है। फिर बाद में जब बच्चा समझदार होता है तो माता बाप का परिचय देती है। तो बच्चों की बुद्धि में पहले कौन आया? माता आई ना, बाकी पीछे। बाकी हाँ, ये बताते हैं कि एक गीता झूठी हो जाती है तो सभी शास्त्र झूठे हो जाते हैं।
तो पहले पहले है गीता, भक्ति मार्ग में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। भगवान ने तो राजयोग सिखाया था जिससे तुम देवता बने थे, तो वो भगवान तुमको क्या सुनाते हैं और ये गुरु तुमको क्या सुनाते हैं? ये गुरु लोग पुरानी कहानी कथा कहानियां बैठ सुनावेंगे। बीके में गुरु बैठे हैं वो क्या सुनाते हैं? दीदी दादी दादा हैं, पुरानी हिस्ट्री सुनावेंगे, यज्ञ की पुरानी हिस्ट्री वो भी मिक्स करके सुनाते रहते हैं। कहानी से क्या मिलता है? सो भी कितने बड़े बड़े गपोड़े लगाए देते हैं, युद्ध के मैदान की बातें सब स्थूल रूप में ले गए हैं। ज्ञान की बातें, सूक्ष्म बातें, उन्होंने स्थूल हथियार पवार दिखाई दिए, स्थूल लड़ाई दिखाई दिए। ये भी दिखाया है कि यादवों ने पेट से मूसल निकाले। अब पेट से भला मूसल कैसे पैदा होंगे? ये तो बुद्ध रूपी पेट है, आत्मा का पेट कौन सा है? ये मन बुद्धि ही पेट है, शरीर का पेट है ये स्थूल। कोई स्थूल पेट से भी मूसल नहीं निकलते, वास्तव में ये मिसाइल्स हैं। मिसाइल्स मूसल माने ओ धान कूटते हैं। तो इन मिसाइल्स का भी शेप मूसल जैसा है। जब ये मिसाइल से गिरेंगे तो ये पृथ्वी और इसके वासी मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी सब चकनाचूर हो जाएंगे, जैसे कि पिस जाते हैं। तो स्थूल पेट की बात नहीं है, स्थूल मूसलों की बात नहीं है, और कोई उन यादवों की बात नहीं है। ये तो रूस और अमेरिका रूपी यादव हैं जो आपस में लड़ते हैं, मिसाइल से तैयार करते हैं। कहते हैं कि ये यादव आपस में लड़े और सारी दुनिया को खलास कर दिया, अपने कुल को भी खलास कर दिया। ये भी ब्राह्मणों की दुनिया में होंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में ही सब कुछ पहले होता है, बाहर की दुनिया में तो बाद में होता है। बताया तो रूस और अमेरिका है यादव, शास्त्रों में लिखा हुआ है, उनकी बड़े बड़े महलमाड़ियां अटारियां होती थी। तो मल्टी मंजिल के ये बने बने मकान जो आज हम देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान में बनते थे कि विदेशों से देख करके आए हैं तब बनाना शुरू किए? विदेशों में देख के आए हैं ये विदेशी, अमेरिकन्स और रशियंस, रशिया के रहने वाले बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, महलमाणियों अटारियों में रहते हैं, बड़ी शराब पीते हैं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, और बड़े क्रोधी होते हैं। इतने क्रोधी होते हैं कि ऐसा सामान तैयार कर लेते हैं जिसमें उनके अपने सारे कुल का संहार हो जाए, दुनिया भी भस्म हो जाती है। जैसे कोई को क्रोध आता है ना घर में, तो अपने घर के बर्तन ही फोड़ना शुरू कर देता है, तो ऐसा क्रोध है इनका। फिर दिखाते हैं शास्त्रों में कि पांच पांडव बचे और एक कुत्ता बचा, माना यादव तो आपस में लड़कर के खलास हो गए और सारी दुनिया को खलास कर दिया, फिर बचे कौन? पांच पांडव बचे। अब पांच पांडव, पांच से दुनिया चलेगी क्या?
पांच पांडव अर्थात उंगलियों पर गिने जाने योग्य आत्माएं और एक कुत्ता। पांच पांडव का मतलब क्या हुआ? पांच पांडव का मतलब हुआ युधिष्ठिर, जो आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रहता है, हिलता नहीं। शरीर भल छूट जाए लेकिन आत्मा ईश्वरीय सेवा में लगी रहती है। कौन है? ब्रह्मा की सोल। फिर दूसरा है भीम अर्थात भयंकर। कितना भयंकर दिखाते हैं? कहते हैं 100 कौरवों को अकेले ही मारा। कीचकों को अकेले ही मारा, पकड़ा। ढेर के ढेर राक्षसों को अकेले मारा। कितना भयंकर जबरदस्त है। तीसरा पांडव दिखाते हैं अर्जुन, बुद्धिमान नर अर्जुन है। गीता में लिखा है ना कि मनुष्यों में सबसे जास्ती बुद्धिमान अर्जुन को दिखाया है। वास्तव में आज दुनिया में विदेशियों के बीच में और विधर्मियों के बीच में कौन सा ऐसा धर्म है जो सबसे जास्ती पवित्रता को पालन करने वाला है? है बौद्ध। तो ये बुद्धिमानी है, सुमति है या कुमति है? इसे कहेंगे सुमति। तो वो अर्जुन है जो ऐसे पुरुषार्थ का अर्जन करता है, वो स्वर्ग में जाने वाली आत्माएं हैं। फिर दिखाया नकुल और सहदेव। नकुल न इस कुल के न उस कुल के, भारतवासी भी बन के रहते हैं परंतु देवताओं की तरफदारी नहीं कर पाते। फिर विदेशी भी बन जाते हैं, विदेशों में जाकर के पूजा करवाते हैं। आज भारत के सारे ही सन्यासी विदेशों में चक्कर काट रहे हैं, विदेशी सभ्यता को वाह वाह करते हैं। दूसरे हैं लास्ट सहदेव, जिन्होंने सदैव देवताओं को सहयोग दिया, वो है सिख धर्म की आत्माएं। और सबसे छोटा पांडव दिखाया है। ये सब राइटियस हैं झाड़ के चित्र में या लेफ्टिस्ट हैं? राइटियस हैं, पवित्रता को पालन करने वाले हैं। तो कहते हैं ये पांच पांडव बचे, उनके साथ एक कुत्ता भी गया। ये कुत्ता कौन है? है इस्लाम धर्म की वो आत्माएं जिनके लिए मुरली में बोला है कि पहले पहले ये इस्लामी मरेंगे। मरना माने देवान को छोड़ना। तो जो इस्लामी जो पहले मरते हैं वो पांडवों के साथ मरते हैं। देवी देवता सनातन धर्म के बाद फिर विधर्मियों के बीच में पहले पहले नंबर किसका लगता है? इस्लामियों का नंबर लगता है। तो वो भी स्वर्ग में जाते हैं। कहते हैं ये पांच पांडव और एक कुत्ता पहाड़ों पर जाकर के गलमरे। अब पहाड़ों पर जाकर गलमरने की बात नहीं है, वास्तव में पहाड़ है ऊंची स्टेज। शरीर के साथ गलमरे या आत्मा में देवान का संस्कार गलाई दिया? देवान का संस्कार गलाई दिया। कैसी स्टेज में?
ऊंची स्टेज में जब गए परम धाम की ऊंची स्टेज में, तो देवान सारा गलित हो जाता है, गल जाता है। उन्होंने तो शास्त्रों में दिखाया कि पांच पांडव एक कुत्ता पहाड़ों पर गए, गलमरे, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। अब बाप बताते हैं रिजल्ट तो निकलता है। देवान जब गल जाता है तो आत्मा स्वर्ग में जाकर के आनंद करती है, देवान दुख देता है। देवान से परे आत्मा सदैव सुख भोगने वाली बन जाती है। तो शास्त्रों में तो दंत कथाएं दिखाई हैं, उनको कहा जाता है कनरस। कान से जैसे संगीत गीत सुनते रहते हैं, बड़ा मजा आता है, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बाप समझाते हैं तुम आधा कल्प कनरस सुनते आए हो। क्या कहा है? आधा कल्प तुमने कनरस सुना है। शूटिंग कैसे होती है? है? होती है कि नहीं होती है? कैसे होती है? कब होती है? संगम में होती है। कैसे होती है? ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान सुनते रहे, सुनने वाले खुश होते रहे, सुनाने वाला भी खुश होता रहा। समझ में कुछ आया है? समझ में तो कुछ भी नहीं आया। सतयुगी शूटिंग में भी सुनते रहे और त्रेता युगी शूटिंग में भी सुनते रहे, बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। तो ये आधा कल्प हमने कनरस की शूटिंग की, बल भगवान आया परंतु हम कनरस में मस्त रहे। अभी बाप कहते हैं ये कनरस की बातें बंद करो, ज्ञान माने समझ, एक एक बात की गहराई को समझना चाहिए। ज्ञान मुरली कही जाती है, मुरली मुरली माने क्या? मुरली अर्थात अपना भाग्य बनाने के लिए जिन बातों को मोड़ लिया जाए उसको कहते हैं मुरली। हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन जाए तो देखो कितना फर्क हो जाता है। अभी देखो कृष्ण की आत्मा भी मुरली सुन रही है। क्या कृष्ण की आत्मा अभी मुरली सुन रही है या नहीं सुन रही है? सुन रही है। भगवान बाप शिव सुनाई रहे हैं, भी क्यों लगाई दिया? कृष्ण की आत्मा भी क्यों लगाई दिया? माने राम की आत्मा भी सुन रही है और कृष्ण की आत्मा भी सुन रही है, तुम बच्चे भी सुन रहे हो, बाप सुनाई रहे। बाप को आकर बच्चों को समझाना पड़ता है। तो राम कृष्ण और हम सब हो गए बच्चे और समझाने वाला शिव बाप हो गया। वो क्या करता है अभी? है समझाता है, सिर्फ सुनाता नहीं है। ब्रह्मा के तन में क्या किया? सुनाया। फायदा कुछ भी नहीं हुआ। सुनने से फायदा होता है या समझने से फायदा होता है? है समझने से फायदा होता है। बाप खुद कहते हैं हे बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूं। मुरली जब तक सुनते रहे तब तक कोई की बुद्धि में ये बैठता है कि हम कौन से वंश में जन्म लेने वाले हैं, कौन से देश में, कौन से धर्म में जाकर के हम जन्म जन्मांतर पार्ट बजाएंगे? अभी बुद्धि में तुम्हारे बैठ रहा है, तुम बुद्धि में ये मनन चिंतन मंथन करते हो कि हम बाप के बच्चे
किस कुल में जन्म लेंगे, किस देश में जन्म लेंगे, किस धर्म में जन्म लेंगे, कहाँ कहाँ हमको कैसे कैसे पार्ट बजाना है। तो बाप आकर तुम्हारे जन्मों की कहानी बताते हैं। पहले पहले तुम आए हो कहाँ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले परम धाम से कौन आता है, पहले तुम बच्चे आए हो, और फिर तुमने कितने जन्म लिए वो तुम जानते हो। कितने जन्म लिए, 84 जन्म हमने लिए हैं, और धर्म वालों ने 84 जन्म नहीं लिए। तो देखो तुम्हें अपने जन्मों के बारे में पता चल गया, और धर्म वालों को कुछ भी पता ही नहीं है। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये भी तुमको पता पड़ता है, और धर्म वालों को इस बात का पता ही नहीं है कि हमारा ये क्या अंतिम जन्म है। अच्छा, इस बात का प्रूफ क्या, कैसे पता चले कि तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया ये हमारा अंतिम जन्म है, औरों की बुद्धि में नहीं बैठा है। बाबा ने कहा ये कोई प्रूफ नहीं होता है। इसका प्रूफ ये है कि जिनकी बुद्धि में बैठ गया है ये हमारा अंतिम जन्म है, उनका इस दुनिया से बुद्धि योग उठ जाता है। वो महलवाणियां अटारियां बनाने में रस नहीं लेते हैं, लेते हैं। और जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा है, वो बड़े बड़े कल कारखाने धंधे धोरी महलवाणियां अटारियां बनाने में पैसा खर्च करते रहते हैं। हमारे में भी बहुत ऐसे हैं, तो क्या कहेंगे, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा, बाप की पहचान हुई नहीं हुई, उनकी बुद्धि में भी ये नहीं बैठा कि ये हमारा अंतिम जन्म है। तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ गया कि ये हमारा अंतिम जन्म है। तो देखो शिव बाबा तुमको ही सुनाते हैं, क्या कितनी बड़ी बात कह दी। क्या शिव बाबा किसको सुनाते हैं, तुमको ही सुनाते हैं, तुमको ही समझाते हैं। इनको न सुनाते हैं न इनको समझाते हैं, किनको, ब्रह्मा बाबा को, जिनके बाजू में बैठ के मुरली चलाई, उनके लिए देखो कैसे कैसे बोल रहे। क्या बोला, तुमको सुनाते हैं तुमको समझाते हैं, इनको न सुनाते हैं और न इनको समझाते हैं। ये तो सुन लेते हैं बीच में, मैं सुनाता तुमको हूं और ये बीच में सुन लेते हैं। मैं समझाता तुमको हूं क्योंकि तुम पहले समझ लेते हो, ये जल्दी समझते ही नहीं। कितने साल हो गए कहते कहते कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और इनकी बुद्धि में है एक कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की बुद्धि में बैठता है, मैं गीता का भगवान नहीं हूं, है नहीं बैठता, क्यों नहीं बैठता है। हाँ, बच्चा बुद्धि तो है, क्यों है बच्चा बुद्धि, क्योंकि 63 जन्म भक्ति मार्ग में इनकी आत्मा यही सुनती आई, क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है, और अब इनको पता चल गया कृष्ण की आत्मा मैं हूं, तो जल्दी इनकी बुद्धि में से निकलेगा, इनकी बुद्धि में से नहीं निकलता। तुम्हारी बुद्धि क्लियर है, तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो तुमको ही सुनाता हूं, नहीं तो शिव बाबा किसको सुनावे, तुमको नहीं सुनावे तो किसको सुनावे। इनकी बुद्धि में बैठता नहीं, और वो जो दूसरे धर्म वाले हैं वो तो सुनते ही नहीं। समझने की तो बात ही दो, दूर छोड़ दो, जो सुनता ही नहीं कान में उंगली दे लेते हैं वो मुसलमान क्या करते हैं, हैं? तुम उनको सुनाते हो, सुनते हैं नहीं। हम उन्हें सुनाने भी जाएं, ये ब्राह्मणों की बात हो रही है, हम उन्हें सुनाने भी जाएं तो वो दूसरों को भी कहते हैं सुनना नहीं इनकी बातें, माने कान में उंगली दे लेना, शिव बाबा को याद करने लगना, इनकी बातें मत सुनो, शिव बाबा को याद करो, याद में बैठ जाओ, याद में
मुसलमान भी क्या करते हैं, कान में उंगली देते हैं और अल्लाह अल्लाह अकबर भगवान को याद करो। तो ये सारी शूटिंग कहाँ होती है, ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग होती है। बीबी कह रहा है, हैं बीबी कह रहा है, हाँ हम बीबी गए थे, हाँ मेरे को बोला, हाँ सुनाने के बाबा आए हैं, सुनाने गए थे, हाँ जी के भाई हैं, हाँ और आगे चला हुआ है, शेयर है वो इसका मुस्लिम, हाँ तो कहता है कि भाई एक दिन पहले तो मेरे को खूब बार फोन किया, सर भाई के पहुंचा दिया, दूसरे दिन गए उनसे मिलने के लिए, बोलते हैं क्या आप गण नर भाई हैं, अरे आश्रम जो कहते वही मानो, बाला और डैड मुरी मिला तो क्या चाहिए और कुछ चलो नहीं, हाँ सुना नहीं तो बोला कि शिव बाबा तुमको नहीं सुनावे तो किसको सुनावे, इनको कैसे सुनावेंगे, इनको सुनावे भी तो ये समझेंगे, समझेंगे कुछ नहीं तो इनको कैसे सुनावे, तुम सभी को जब सुनाते हैं तब इनकी आत्मा भी सुनती है क्या, नहीं तो ये कान पर बात धरते नहीं हैं, ये भी कान पर बात तब धरते हैं जब तुम्हारी बुद्धि में बात बैठती है। तुमको सुनाते हैं तो ये भी सुन लेते हैं, बच्चे जानते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं, कल्प कल्प हमने ऐसे चक्कर लगाया है, अभी ड्रामा पूरा हुआ, ये पुराना वस्त्र अभी हमको छोड़ देना है, अरे क्या गोली मार लें, कैसे छोड़ देना है, हाँ ये बुद्धि से इस पुराने वस्त्र को छोड़ देना, याद ही नहीं करना, अपना पुराना वस्त्र भी याद नहीं करना तो दूसरों का तो याद ही क्यों करेंगे, अपना भी याद नहीं करना दूसरों का भी याद नहीं करना, देह बिल्कुल बुद्धि में याद आवे ही नहीं, देखते हुए न देखो, क्या देखो आत्मा देखो, सुनते हुए न सुनो, क्या सुनो जो हमेशा आत्मा है, कभी देहधारी नहीं बनता है उसकी बात सुनो, न देह को देखो न देहधारियों की बातों को सुनो, किसको देखो और किसकी सुनो, जो सदैव आत्मा है उसकी बातों को सुनो और उसको ही देखो, वो आत्मा कैसे दिखाई पड़ेगी, आत्मा इन आंखों से दिखाई पड़ती है क्या, हैं बुद्धि से आंखों आत्मा दिखाई पड़ती है, हुँ? क्या समझे, हाँ कि वो निराकार ज्योति बिंदु शिव जो सदैव देह से परे है वो किस तन में आया हुआ है ये देखो, तुम्हारी आत्मा सबसे पुरानी तमो प्रधान आत्मा बन गई है और तुम्हारी आत्मा को ही सारा पार्ट मिला हुआ है, सारा सतो प्रधान पार्ट तुमको मिला हुआ है और सारा तमो प्रधान पार्ट भी तुमको मिला हुआ है, सतो प्रधान भी तुमको मिला और तमो प्रधान पार्ट भी तुमको मिला और अंत तक मिलता है, क्या इनको अंत तक पार्ट मिलता है, क्यों है इनको 50 साल के लिए शरीर ही नहीं मिलता, इनको ब्रह्मा बाबा को 50 साल शरीर ही नहीं मिलेगा तो न इनका पूरा पार्ट है और न इनका शरीर है 5000 साल का, तुम्हारा है हाँ हाँ अरे जो जिसका बाप होगा वो अपने बाप की महिमा नहीं करेगा है? तुम किस बाप के बच्चे हो, चंद्रमा के बच्चे हो, सूर्य के बच्चे हो, फिर
हर एक अपनी कुल की महिमा करता है, तो बड़ी बात क्या हो गई। हाँ, तुम्हारी आत्मा सबसे पुरानी है क्या? वो तो सतयुग से आवेंगे इस सृष्टि पर, कौन ये और इनके फॉलोअर, इनके बच्चे किनके? ब्रह्मा बाबा के। और तुम सतयुग से ही पहले संगम युग पर ही सृष्टि पर आ जाते हो। तो देखो, तुम्हारी आत्मा को सारा पार्ट मिला है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और अंत तक पार्ट बजाते हो, और ये तुम्हारा सारा पार्ट अविनाशी है क्या? उनका तो, इनका तो 50 वर्ष का पार्ट विनाश हो गया, और तुम्हारा अविनाशी पार्ट है 5000 साल का, फिर से वो पार्ट बजावेंगे। जो अविनाशी पार्ट पिछले कल्प में तुमने बजाया है, वही पार्ट अब फिर से बजावेंगे। आत्मा को पार्ट देखो कितना मिला हुआ है, किसको? तुम आत्मा को। और धर्म वाले और ये तो पूरी आत्मा बनते ही नहीं, बनते हैं कि देवान रह जाता है, देवान रह जाता है, और तुम तो देवान को जला देते हो, खाक कर देते हो। तुम्हारे अंदर तो देवान की नाम निशान की चीज ही नहीं रहती, देह अर्थात मिट्टी। इसलिए तुम्हारी यादगार में हिंदू लोग मुर्दे को क्या करते हैं? भस्म कर देते हैं, राख बनाए देते हैं। और दूसरे धर्म वाले राख नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? कारण समझा? दूसरे धर्म वाले जब मुर्दा शरीर बनता है तो उसको राख क्यों नहीं बनाते, जलाते क्यों नहीं है? क्योंकि वो यहाँ संगम में ही देवान नहीं छोड़ पाते, वो मिट्टी का लगाव लगा ही रहता है। इसलिए उनके धर्म में ये परंपरा है कि जब कोई मरे, मुर्दा बने, तो उसको जमीन में ही, मिट्टी में ही गाड़ दो, जलाना नहीं है। अरे हमारे बाप दादे, परदादे, सरदारे, तरदादे, किसी ने नहीं जलाया। 84 जन्म के हमारे वंश को देख लो, ना हमने जलाया, ना हमारे कुल परंपरा में किसी ने जलाया, तो फिर हम क्यों जलावे? इसलिए वो मिट्टी में गाड़ते हैं और हम जलाते हैं। और बात समझ में आई? अच्छा है, तो देखो तुमको कितना पार्ट मिला हुआ है। इसको कहा जाता है वंडरफुल पार्ट तुम्हारा है, और धर्म वालों का वंडरफुल पार्ट नहीं है। और तुम्हारी आत्मा देखो कितनी छोटी है। अरे औरों की आत्मा बड़ी है क्या? है नहीं, तो आत्मा जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ऊंची स्टेज में उड़ेगी, और जितनी स्थूल होगी उतनी ही नीचे रहेगी। ये पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, परमधाम में ये पेड़ पौधों की आत्मा नीची स्टेज में होगी कि ऊपर होगी? नीची स्टेज में होगी। कीड़े मकोड़े इनकी आत्मा पेड़ पौधों से ऊपर होगी, और मनुष्य आत्मा, जितने भी जीव जंतु दुनिया में है उन सब जीव जंतुओं से ऊंची स्टेज में होगी। और मनुष्य आत्माओं के बीच में भी जो सूर्यवंशी आत्माएं होंगी वो आत्माएं सबसे ऊपर, और फिर उन सबसे भी ऊपर शिव बाप से ज्यादा सूक्ष्म और कोई होता ही नहीं। इतना सूक्ष्म है कि सबकी समझ में भी नहीं आता। तो देखो कितना वंडरफुल पार्ट है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज लुधी हुई है। वो नॉलेज कभी भी विनाश को नहीं होती है,
क्या अगर विनाश हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि में अभी भी नहीं बैठे, मर्ज होती है लेकिन तुम्हारे अंदर की नॉलेज विनाश को नहीं पाती है, मर्ज हो जाती है कलयुग के अंत में, बाप आते हैं फिर इमर्ज हो जाती है। ओम शांति।